एस्ट्रो लवर्स, ज्योतिष सूत्र को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स पाने के लिए। मैं आपको बताऊंगी कि इन सारे नंबर्स के पीछे भी एक कारण होता है। जब हमारा जन्म होता है तो उसी समय पे कहते हैं कि हर एक चीज़ काउंट होती है, हर एक चीज़ की वैल्यू होती है। आप देखोगे कि एस्ट्रोलॉजी में बहुत सी चीज़ों को डिफरेंटली व्यू किया जाता है, बट न्यूमरोलॉजी ऐसी चीज़ है जिसमें बर्थ नंबर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आप अपने जीवन में नाम जितनी बार चाहे बदल सकते हैं, लेकिन डेट ऑफ बर्थ आप बदल नहीं सकेंगे, वो आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि जब आप बॉर्न हो जाते हैं उसको फिर कोई चेंज नहीं कर सकता है। तो इसलिए न्यूमरोलॉजी में बर्थ नंबर सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इन नंबर्स के भी कुछ अपने हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, मतलब हर एक नंबर पे हेल्थ इश्यूज़ बताए गए हैं कि क्या उन्हें ये चीज़ें, ये डिजीज़ हो सकती हैं। तो मैं बताना चाहूँगी नंबर वन के लिए जो हेल्थ इश्यूज़ रहते हैं वो है ENT। यस, उनको ईयर या नोज़ या टंग, इनका प्रॉब्लम हमेशा रहता है। यूटरस का इशू रहता है, हाई BP का प्रॉब्लम रहता है और हेडेक रहता है। नंबर टू के लिए ये है कि उनको डिसऑर्डर ऑफ स्टमक रहता है, मतलब लाइक यू नो, पेट के रिगार्डिंग कुछ चीज़ें होती है, जैसे डायरिया हो जाता है, डिसेंट्री हो जाती है, ये इश्यूज़ उनमें ज़्यादा पाए जाते हैं। इसके अलावा यस, डायबिटीज़ भी ज़्यादा देखा गया है नंबर टू में। नंबर थ्री वालों के लिए बताया गया है कि उनको जो डिजीज़ हो सकती है, अगेन रिलेटेड टू ENT, थ्रोट इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन, नर्व इन्फेक्शन हो सकता है उनको। नंबर फोर के लिए बताया गया है, दैट इज़ अगेन डिसऑर्डर ऑफ स्टमक, या फिर उनको अस्थमा के इश्यूज रहते हैं, या फिर यू नो, देखा गया है कि मेंटल डिप्रेशन में भी ज़्यादा चले जाते हैं। सो लाइक मेंटली थोड़े वीक रहते हैं, और मतलब ये कहना चाहूँगी कि उनको हमेशा स्ट्रांग रहना चाहिए, क्योंकि अगर वो मेंटली वीक रहेंगे तो उनकी फ़िज़िकल हेल्थ पे भी इशू आते हैं। नंबर फाइव के लिए जो बताया गया है वो है अगेन डायबिटीज़, BP, थ्रोट इन्फेक्शन, चेस्ट इन्फेक्शन, ये सब चीज़ें बताई गई हैं। नंबर सिक्स वालों के लिए इट इज़ अगेन अस्थमा एंड हार्ट अटैक्स। यस, हार्ट की बहुत उनके थोड़े वीक रहते हैं, तो ये डिजीज़ उनको जल्दी से छू जाती है। फिर हो सकता है कि यू नो, कहना नहीं चाहिए, बट यू नो, कैंसर जैसे होता है या ट्यूमर होता है, ये चीज़ों के जल्दी वो शिकार होते हैं। नंबर सेवन के लिए बताया गया है अगेन ENT रहता है उनका प्रॉब्लम, डिसऑर्डर ऑफ स्टमक रहता है, माइग्रेन रहता है, अस्थमा रहता है, तो उनको इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। नंबर एट वालों के लिए यस, उनके किडनी इन्फेक्शन, लिवर इन्फेक्शन एंड यूरिनरी इन्फेक्शन, ये चीज़ें ज़्यादा पाई जाती हैं। नंबर नाइन वालों के लिए हाई BP, डायबिटीज़ के अलावा, क्योंकि आजकल डायबिटीज़ देखा जाए बहुत कॉमन हो गई है, तो वो बहुत सी नंबर्स पे लागू हो जाती हैं, बट 9 नंबर वालों के लिए हाई BP के अलावा उनके जो प्रॉब्लम्स हैं, इंटेस्टाइन प्रॉब्लम जैसे जेनिटल ऑर्गन्स, और इसके अलावा यूरिनरी इन्फेक्शन, ये सब चीज़ें लागू होती हैं 9 नंबर पे। तो इन सारे नंबर्स को अपने इस हेल्थ पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि आगे चलकर वो इन्हें कंट्रोल कर सके। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगी कि हर इस नंबर्स के, जिनका भी बर्थ डेट्स 1 to 9 में आता है, उनके पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीचर्स क्या रहते हैं। तो जानिए, फॉर नंबर वन, पॉजिटिव फीचर्स उनके ये रहते हैं, दे आर वेरी यू नो, दे हैव लीडरशिप क्वालिटीज़, दे आर वेरी स्ट्रांग, दे आर बोल्ड, फ्रेंक, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ओपन। नेगेटिव अगर हम फीचर्स देखेंगे तो येस, दे आर लिटिल सेल्फिश एंड यू नो, समटाइम्स दे आर ओवर बर्डन्ड एंड दे बिहेव वेरी लेजी एंड इररिस्पॉन्सिबल। नंबर टू के पॉजिटिव फीचर्स हैं, दे आर आई वुड से दे आर नीटली ड्रेस्ड, दे आर लविंग, दे आर वेरी प्लीजिंग एंड दे आर ऑलवेज यू नो, ट्रस्टवर्दी आई वुड से। बट उनके नेगेटिव फीचर्स हम देखेंगे तो अगेन उनमें एक लेजीनेस आ जाता है, दे आर वेरी इमोशनल एंड दे आर वेरी सेंसिटिव। नंबर थ्री के पर्सनालिटी ये रहती है कि दे आर आर्टिस्टिक, इमेजिनेटिव, दे आर क्रिएटिव एंड दे आर वेरी फ्रेंडली। बट अगर नेगेटिव फीचर्स हम देखेंगे तो दे आर वेरी टॉकेटिव। सो ये चीज़ें, पॉजिटिव नेगेटिव फीचर्स सब नंबर्स के साथ होती हैं। नंबर फोर के लिए उनकी प्लीजिंग पर्सनालिटीज़ ये रहती है कि दे आर इमेजिनेटिव,
and they are confident, they are straightforward, and they also become strong leaders. But agar negative features dekhenge, so you know, they are little hypocrites, like coward kehte hain, and jab you know waqt aata hai to wo ekdam gayab ho jate hain, and they also complainers, choti choti baat pe complain karte rehte hain. Number 5 ka, again they have a pleasing personality, ड्रेसिंग सेंस उनका अच्छा रहता है एंड उन्हें शो ऑफ ज़्यादा पसंद रहता है. बट नेगेटिव फीचर्स देखेंगे तो दे आर फसी अबाउट ईच एंड एवरी थिंग एंड हर चीज़ में कहते हैं कि आज नहीं हम कल करेंगे. तो यू नो दे आर लेट वर्कर्स, सही दिन पे सही समय पे अपना काम कंप्लीट नहीं करते हैं. नंबर सिक्स दे आर वेल ऑर्गेनाइज, दे आर वेरी रोमांटिक बाई नेचर, दे हैव यू नो क्रिएटिविटी इन देम सेल्व्स, और जहाँ पे भी यू नो कोई काम ठान लेते हैं तो वो करने की सोचते हैं. लेकिन 6 नंबर एक ऐसा भी है कि मूड स्विंग्स पे डिपेंड ज़्यादा रहता है. तो नेगेटिव फीचर्स ये होते हैं, वो ज़रा मूडी रहते हैं, ज़रा रिजर्व रहते हैं, चाहे तो काम कंप्लीट कर सकते हैं लेकिन मूड पे डिपेंड करता है. इसके लिए काफ़ी काम लोग बीच में ड्रॉप भी कर देते हैं. नंबर सेवन के दे आर लिटिल सीरियस, दे आर लिटिल प्रैक्टिकल, एंड जो काम की ठानते हैं वो करने में जूझ जाते हैं. बट नेगेटिव फीचर्स ये भी है कि दे आर लिटिल सेल्फिश, लिटिल जेलस, और जो काम करने की सोचते हैं वो कभी कभी पर्पसली ड्रॉप कर देते हैं बीच में. 8 नंबर की पॉजिटिव फीचर्स ये है कि दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, दे आर वेरी गुड डिसीजन मेकर्स, दे हैव लीडरशिप क्वालिटीज. बट अगर हम नेगेटिव फीचर्स देखेंगे तो येस दे आर वायलेंट, दे आर शॉर्ट टेम्पर्ड, समटाइम्स दे फॉल आउट ऑफ द ट्रैक. तो ये एंड यू नो दे ऑल्सो मिस यूज द थिंग्स. सो इनके 8 नंबर्स की ये फीचर्स रहते हैं नेगेटिव. नंबर नाइन का हम देखेंगे तो यू नो दे आर यंग एट हार्ट, एनर्जेटिक, दे आर वेरी एक्टिव, यू नो जिंदा दिली में बिलीव करते हैं. लेकिन अगर हम नेगेटिव फीचर्स देखेंगे तो अगेन दे आर लिटिल जेलस, दे आर लिटिल सेल्फिश, एंड दे आर डोमिनेटिंग एंड शॉर्ट टेम्पर्ड. अब देखिए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजी एक्सपर्ट. पूरे वीडियोस देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर पर डाउनलोड करें एस्ट्रोलॉजी टीवी ऐप, Amazon फायर स्टिक पर डाउनलोड करें एस्ट्रोलॉजी टीवी ऐप, एयरटेल DTH पे सब्सक्राइब करें एस्ट्रोवाणी चैनल, डिश टीवी और D2H पे सब्सक्राइब करें ज्योतिष दुनिया.